हे गाइस, स्वाति हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे मिंत्रा के फेवरेट कुर्तास। ये मैंने बहुत ज़्यादा पहने हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत प्रिटी लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं पहनने के बाद। और जब भी मैंने ये पहने हैं, वीडियो में भी पहने हैं या फिर मैंने बाहर भी पहने हैं, तो मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि आपने ये कहाँ से परचेज़ किए हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट कुर्ता की वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैंने कुछ ही कुर्ताज इंक्लूड किए हैं, अगर मैं सारे के सारे आपके साथ शेयर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और आप लोग भी बोर हो जाते, इसलिए मैं इसमें कुछ ही कुर्ताज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच गुड वीडियोज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो गाइज। तो यहाँ है मेरे सारे फेवरेट कुर्तास, तो वन बाय वन चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मैं कुर्ता आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये व्हाइट कलर का अनारकली। जब मैंने इसका हॉल किया था तब भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि दीदी ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये जब री स्टॉक होगा तब हमें बताइएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल अनारकली, सबको बहुत पसंद आया था और ये कंफर्टेबल बहुत है पहनने में, बहुत अच्छा लगता है। यू नो, समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट कुर्ता है एंड इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, रेयॉन का फैब्रिक है ये। आई थिंक अभी भी स्टॉक पर है मिंत्रा पे, तो अगर आप चाहें तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका फैब्रिक है रेयॉन, इस तरह की फोल्ड अप स्लीव्स के साथ ये कुर्ता आता है एंड काफ़ी फ्लेयरी है। यू नो, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में पहना भी था, काफ़ी फ्लेयर है इसके अंदर एंड इसकी लेंथ है एंकल लेंथ। जी हाँ, अगर आप इसको ऐसे ही पहनना चाहते हैं तो आप इसको एज ए ड्रेस ऐसे भी पहन सकते हैं, नीचे लेगिंग वगैरह पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे भी पहन सकते हैं और लेगिंग के साथ भी इसको पहन सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लगता है, कम्फर्टेबल बहुत है एंड यू नो वाइट तो बहुत ही अच्छा लगता है समर्स में, तो इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है। तो ये है वो कुर्ता, ये है फ्रॉम ब्रांड गेरुआ से एंड इसमें मैंने द साइज ऑर्डर किया था M। ये मुझे थोड़ा लूज है बट मुझे थोड़ा सा लूज कुर्ता अच्छे लगते हैं। सेकंड है अगेन एक अनारकली, बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता है, बहुत ही प्रिटी कलर है इसका एंड मेरा फेवरेट है। मैंने इसको वीडियो में भी पहना है और वैसे भी पहना है, तो जब भी मैं पहनती हूँ इसको तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड कलर इसका बहुत प्यारा है। काफ़ी लोगों ने इसको परचेज भी किया था मेरी वीडियो देखने के बाद। बहुत ही ब्यूटीफुल बेसिक सा कुर्ता है, प्लेन कुर्ता, प्लेन अनारकली है एंड नीचे इसके हेम पर इस तरह का प्रिंट दिया गया है ब्राउन कलर का, रेयॉन इसका फैब्रिक है एंड नीचे भी आप चाहें तो लाइनिंग डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको एज ए ड्रेस भी आप मैक्सी ड्रेस भी पहन सकते हैं, तो ये बहुत परफेक्ट लगता है एंड मे बी फॉर्मल लुक भी इसे क्रिएट कर सकते हैं एंड कैजुअल भी में भी पहन सकते हैं इसको, तो मुझे बहुत प्रिटी लगता है। सिंपल एंड सोबर पीस है ये है फ्रॉम ब्रांड IVS से एंड इसमें मेरा साइज है स्मॉल एंड ये मुझे बिल्कुल फिट आता है। आगे इसमें इस तरह से पॉम पॉम के बटन की डिटेलिंग दी गई है। थर्ड अगेन एक अनारकली है, ये है येलो कलर में, इसका फैब्रिक भी रेयॉन है एंड देखिए इस पे कुछ इस तरह का गोल्डन प्रिंट भी दिया हुआ है। इसको मैं वॉश भी कर चुकी हूँ, आई थिंक 4-5 बार ये वॉश हो चुका है बट इसका प्रिंट नहीं गया है, मशीन वॉश किया है मैंने इसको एंड ब्यूटीफुल सा येलो कलर का अनारकली है ये। नीचे की साइड के हेम पे इस तरह से पैटर्न दिया गया है अलग से प्रिंट में एंड आगे इस तरह से इस पे वही पॉम पॉम वाले बटन दिए हैं एंड गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाई गई है आगे से, ये इस तरीके से इसमें बंद हो जाता है, इस तरीके से है ये। बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक है रेयॉन और ये है ब्रांड लिबास से एंड इसमें इसका मेरा साइज है S स्मॉल एंड ये जैकेट के साथ आता है
ये है इसकी जैकेट, जैसे नीचे कुर्ता पे है हेम पर डिजाइन दिया गया था ना, वैसे ही सेम इसकी ये जैकेट है। आप चाहें तो इसको जैकेट के साथ और विदाउट जैकेट दोनों तरीके से ही पहन सकते हैं। जैकेट पहनेंगे तो उसके साथ दुपट्टा डालने की जरूरत नहीं है, एंड अगर आप दुपट्टे के साथ भी पहनते हैं तो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। नेक्स्ट कुर्ता है ये पिंक कलर का, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर एंड कॉम्बिनेशन है इसका। हेडिया प्रिंट है इसका, ये है फ्रॉम ब्रांड अगेन लिबास से, इसमें मेरा साइज है S, एंड ये फ्रंट स्लिट है, फ्रंट स्लिट ओपन है, इसमें आगे की साइड इस तरह से बटन की डिटेलिंग दी गई है, जहाँ इसके बटन खत्म होते हैं वहां से इसका स्लिट स्टार्ट होता है। अगर आप इस तरह की हाई स्लिट कुर्ताज पहनना पसंद करते हैं तो आप इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लहरिया प्रिंट है, एंड इस पे फॉइल प्रिंट किया गया है, इस तरह के बूटा बनाए गए हैं फॉइल प्रिंट से गोल्डन कलर के। देखिए इसको भी मैं वॉश कर चुकी हूँ एंड इसका प्रिंट भी एज इट इज। इसका फैब्रिक है चंदेरी कॉटन में इसका फैब्रिक है, एंड बहुत ही लाइट वेट कुर्ता है, पता ही नहीं लगता आपने कुछ पहना हुआ भी है ये नहीं है। ये है ब्लैक कलर का कुर्ता, ये है फ्रॉम ब्रांड विशुद्ध से, एंड इसका साइज मैंने परचेज किया था M। आई थिंक इसका साइज स्मॉल अवेलेबल नहीं था तो इसको मैंने M में परचेज किया था। ये थोड़ा सा मुझे लूज है बट उसकी प्रिंटिंग मुझे बहुत प्रिटी लगती है, ये मुझे एंकल लेंथ तक आता है, देखिए कितना प्रिटी है। ऑल ओवर सेम प्रिंट है इसमें कुर्ते में, अनारकली है ये, एंड फॉयल प्रिंटिंग हो रखी है इसे, एंड इस तरह से नीचे रेड कलर की पाइपिंग दी गई है, और सेम ऐसी ही पाइपिंग आगे स्लीव्स पर भी है, एंड यहाँ देखिए कॉटन मटेरियल है इसका। इसको भी मैं वॉश कर चुकी हूँ एंड इसका प्रिंट एज इट इज है, जैसा ये मुझे रिसीव हुआ था। और ये कुर्ता आप अपनी फेयरवेल पर चाहें तो फेयरवेल पर भी पहन सकते हैं, एंड नाइट पार्टी में भी बहुत प्रिटी लगेगा एंड कंफर्टेबल है। एंड इसके साथ भी अगर आप चाहें तो लेगिंग डाल सकते हैं, अदरवाइज विदाउट लेगिंग भी ये चल जाएगा, क्योंकि लेगिंग तो इसमें दिखने वाली वैसे भी नहीं है, जिनकी हाइट मेरे से थोड़ा ज्यादा है उनके में तो ये लेगिंग दिखेंगी, अदरवाइज मेरी हाइट में मुझे नहीं दिखती है, बहुत थोड़ी सी दिखती है। मेरी हाइट है 5.3 इंच, तो मुझे ये ठीक होता है। जिनकी हाइट मेरे जैसी है उनको ये एंकल लेंथ तक आएगा, और जिनकी हाइट मेरे से कम है तो उनको तो ये बिल्कुल फ्लोर लेंथ आने वाला है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आए। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।